जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो इसको समझेंगे। यूपीएससी मेंस के दौरान 67वीं बीपीएससी पीटी से छात्र परेशान, यानी कि दोनों डेट टकराने का 100% संभावना है, तो इसको लेकर छात्र परेशान है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, क्या इसमें सुधार हो रहा है या कब तक इसमें उम्मीद है। यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा मेंस के दौरान बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा लेने से वैसे छात्र परेशान हैं जो दोनों परीक्षाएं देने वाले हैं। यूपीएससी का मेंस 16 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 25 सितंबर तक चलेगा। इसी बीच में 20 और 22 सितंबर को दो शिफ्ट में बीपीएससी पीटी आयोजित किया जाएगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद यूपीएससी मेंस की अगली परीक्षा 24 सितंबर को है, इसके कारण छात्रों के लिए दोनों परीक्षाओं में शामिल होना संभव है। बीपीएससी के अधिकारी भी दोनों परीक्षाओं में दोनों दिनों का अंतर बताकर उसे पर्याप्त बता रहे हैं, लेकिन इससे यूपीएससी मेंस दे रहे छात्रों को बीपीएससी पीटी का सिलेबस रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही उन छात्रों का समय आने जाने में भी बर्बाद होगा जो दिल्ली या बिहार से बाहर के किसी अन्य सेंटर पर यूपीएससी मेंस में शामिल होने वाले हैं। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 1000 है। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। चूँकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, अभी संभावित डेट है बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 20 और 22 को दिया जा रहा है, और इसका एग्ज़ाम जो है यूपीएससी मेंस का 18 मान लीजिए 16 से स्टार्ट है, लेकिन 18 और 24 को उसके बाद है, 18 के बाद 24 को है, यानी कि 18 के बाद जो 24 को मेंस है, 18 के बाद एक ही बार 24 को मेंस है। इसी को ध्यान में रखते हुए दो दिन का गैप यहाँ दिया गया है 20 को, और फिर दो दिन का गैप यहाँ पर दिया गया है 22 को। तो यदि छात्र चाहें कोशिश करें तो वह दे सकते हैं, लेकिन वैसे छात्रों की परेशानी बढ़ जाएगी जो छात्र का एग्ज़ाम बिहार से है, उनका मेंस बाहर दिया गया है, या जो बाहरी स्टूडेंट भी हैं अगर मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सेंटर बिहार से बाहर है या किसी अन्य राज्य में है, तो उनको आने जाने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। और एक बात बताएं, वैसे छात्र जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं, लगातार मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, लगातार मेरे से बात कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं, उन छात्र को वास्तव में दिक्कत है जिनका बाहर है, और उन छात्रों को दिक्कत है थोड़ा सा रिवीजन करने का कम समय मौका मिलेगा, ताकि एक से दो दिन एग्ज़ाम का जो अंतिम चरण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को सभी विद्यार्थी जानते हैं, और उनका यूपीएससी मेंस रहेगा उसको लेकर थोड़ा सा टेंशन रहेगा, फिर बीपीएससी पीटी को लेकर थोड़ा सा टेंशन रहेगा। अब देखिए, इस पर आयोग के जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि दो दिन का अंतर पर्याप्त है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल यदि आपका इसमें क्या विचार है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जितने भी बीपीएससी के विद्यार्थी या यूपीएससी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनका क्या राय है, उसके बाद इस पर विशेष रूप से हम लोग प्रश्न उठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।